पांच साल से नरेंद्र मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा दाग नहीं लग पाया, जिसे सरकार अपनी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत बताती है। हालांकि विरोधियों ने कई मुद्दे पर सरकार को घेरा, इस बीच बीजेपी विरोधी धड़ा एक और सियासी प्लान बनाने में जुटा है। ये प्लान है आलोक वर्मा को बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी बनाने का। आलोक वर्मा मतलब सीबीआई के पूर्व निदेशक। खबर है कि विरोधी मिलकर आलोक वर्मा को पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सीबीआई के भीतर जब भ्रष्टाचार को लेकर भयानक तूफान मचा था, उस वक्त आलोक वर्मा भी सुर्खियों में थे। सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था, लेकिन आलोक वर्मा कोर्ट पहुंच गए और सरकार पर ही हमले करने लगे। आलोक वर्मा सोशल मीडिया पर भी छाए रहे और इसी आलोक वर्मा को अब विपक्ष सियासी हथियार बनाने में जुटा हुआ है। खबर है कि आलोक वर्मा पश्चिमी दिल्ली की सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने जिन 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, उसमें पश्चिमी दिल्ली नहीं थी। मतलब अंदर खाने पहले से ही बातचीत जारी है। खबर तो यहां तक है कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आलोक वर्मा के संपर्क में हैं और उन्हें टिकट की पेशकश तक की जा चुकी है। तीसरा अनुमान यह है कि आलोक वर्मा बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं और फिर केजरीवाल या राहुल कोई भी उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगा। ऐसे में पश्चिमी दिल्ली से सीधी लड़ाई आलोक वर्मा और बीजेपी के खिलाफ होगी। मौजूदा वक्त में पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा बीजेपी के सांसद हैं, जिन्हें 2019 में भी बीजेपी टिकट दे सकती है। कुल मिलाकर आलोक वर्मा बीजेपी के खिलाफ खुलकर सियासी मैदान में उतर सकते हैं और अगर ऐसे में विपक्ष को आलोक वर्मा का साथ मिला तो बीजेपी की घेरेबंदी के लिए एक और मजबूती मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।